हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, हरियाली तीज की आपको ढेर 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 सारी बधाई। भोलेनाथ जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं, और जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं हुई है, भगवान जी से मैं प्रे करूंगी उनके हस्बैंड उन्हें बहुत सारा प्यार करें। और आप यहाँ पे मेरे बेबी को देख सकते हैं, बेबी किस तरीके से आपको शीशा दिखा रहे हैं। आपको पता है अभी जब मैं ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी, विशु ने सारा मतलब मेकअप अपने फेस पे लगा लिया था। अभी उनके डैडा आए हैं, सो उनके डैडा ने उनको क्लीन किया। अभी ये देखो शीशा लेके भी अभी घूम रहे हैं। सो गाइज, आज पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई है? ये जो आपको मेरा ये ब्लाउज नजर आ रहा होगा, ये ब्लाउज नहीं है, ये क्रॉप टॉप है जो कि अश्मित जी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था। और ये जो साड़ी देख रहे हो, ये है मेरी मम्मी की। सो मुझे लगा कि आज मम्मी की साड़ी को मैं किसी तरीके से मतलब यूज में ले आती हूँ। और गाइस, आप जरूर बताना आपको ये लुक मेरा कैसा लग रहा है। और ये देखिए, आज मैंने चूड़ियां भी पहन ली है जो अश्मित जी मेरे लिए लेके आए थे। ये देखो, और इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है ना? मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अभी इसको जल्दी से उतार दूं। वैसे तो कॉटन की साड़ी है ये, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ये जो बड़े बड़े झुमके होते हैं ना, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। अभी इन सब चीजों को समेटना पड़ेगा मेरे को, है ना? बस यही है कि बस मेकअप कर लो और फिर उतारो उसको ना। मेरे से नहीं रहा जाता है इतने मेकअप में, कभी भी आपने देखा होगा। और ये रिंग भी मैं उतार देती हूँ। चूड़ियां अभी रहने दूंगी क्योंकि चूड़ियां रहने देती हूँ ना, चूड़ियां नहीं उतारती हूँ क्योंकि अश्मित जी लेके आए हैं। सो थोड़ा सा तो बनता है ना, थोड़ी देर रखना। तो चलिए मैं इसको रख के आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी मैंने चूड़ियां वगैरह उतार दी हैं क्योंकि थोड़ा सा काम करना था ना मुझे इसलिए। और आप देख सकते हैं अश्मित जी क्या कर रहे हैं। चलो अश्मित जी को भी आपको दिखा देते हैं, और आज मैं साड़ी में कैसा लग रहा हूँ जरूर बताना। अश्मित जी क्या कर रहे हो आप? ओ, मेरे हबी को देखो। विशु नहीं बेटा, क्या कर रहे हो ये आप? क्या क्या लेके आए हो? एग्जॉस्ट फैन भी चल गया है पता है आपको? बंद कर देती हूँ ना उसको। तो गाइस, एग्जॉस्ट फैन चल गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बनाया था आलू की थिचोड़ी। और यहाँ पे मेरे हब्बी लेके आए हैं ये, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पोटैटो फीवर बोलते हैं इसको ना। आलू बुखारा है। क्या लाए हो? डेस्ट्रॉय हस्बैंड नाशपति। देसी कलाकार वाली है ना। बाबू इसमें किसको रखना ना, मैं आती हूँ अभी। विशु देखो कहाँ जा रहे हैं। देखो इसको, देखो विशु कहाँ जा रहे हैं बेटा? देखो मुंह में क्या ले रखा है आपने, शीशा। और देखो गाइस, देख सकते हो मेरे बेबी को। विशु का दिखाओ, हाय करो हाय। ये है मेरा शीशा, ठीक है, जिससे मैंने अभी मेकअप किया है। सो गाइस, बाल ना मैंने खोल दिए क्योंकि बालों में चुभ रहा था वो ना जूड़ा, आपको पता ही है चुभता ही है। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे ये साड़ी उतारनी है ना, और कुछ और डालना है, और फिर अश्मित जी ने वहाँ पे जो फैलाया है उसको समेटना है, और अश्मित जी को थोड़ा सा खाना देना है। वैसे तो अभी अश्मित जी खाते नहीं हैं, बट फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, तो चलिए उनको खाना देते हैं। और फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आप यहाँ पे देखोगे ना, अश्मित जी ने मेरे लिए कितना अच्छे, क्या आप गर्म कर रहे हो बाबू? क्या कर रहे हो सारे में? हाँ, सारा फिनिश करना है, अब नहीं बचाना है रात के लिए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बनाया है। और ये विशु को देखो, विशु टूट जाएगा बेटा मम्मा का। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको ना मैं थोड़ी सी देर में, चेंज करने के बाद। और इस वाले रूम की हालत आप देखेंगे, ये वाला रूम कितना ज्यादा फैला हुआ है। अभी विशु को क्योंकि अपने डैडा के शूज पहनने होते हैं, कभी अपने डैडा का कुछ पहनना होता है, सो वो इसी तरीके से फैला देते हैं। अभी देख सकते हो ना आप किस तरीके से पीछे पीछे घूम रहे हैं।
सुबह में क्या था ना, मैंने उठ के मूंग की दाल बनाई थी। विशु नहीं बेटा, चलो मैं विशु को देखती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, अश्मित जी ये रहे। अश्मित जी क्या खाओगे आप? मैं आपके लिए खाना गर्म कर रहा था, पता है? यस, ये लड़की ये औरत झूठ बोल रही है। मतलब मैं औरत झूठ, मतलब आज मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे औरत बना दिया। यस yes. मतलब कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं ना, अब मुझे आज औरत बना दिया है। वाकई में मैं औरत लग रही हूँ आज लग रहा है ना यार, लग क्या रहा है वो? हाँ मैं हूँ, पर आज मैं किसी का बिल्कुल जैसे होता है ना हाउस वाइफ, वो सॉरी क्या लेडी, पूरी परफेक्ट लेडी लग रही हूँ ना। चलो हैं, गौर से देखो इस शैतान बच्चे को, भोले बाबा बनोगे हैं? ये इस तरीके से पाउडर लगाओगे अपने मुंह पे हैं विशु? मम्मा खाना बना रही है और यहाँ पे आप भोलेनाथ बन रहे हो? उठाओ पाउडर, उठा के ऊपर रखो। चलो चलो, कैसे लगाया पाउडर, कैसे लगाते हैं, लगा के दिखाओ विशु, कैसे लगाया? कैसे लगाया जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे लगाया पाउडर, कैसे लगाया विशु? ऐसे विशु, ऐसे लगाओ, ऐसे कैसे लगाया? अभी कैसे? कैसे विशु फेस पे कैसे लगाते हैं? सो फ्रेंड्स, अभी हमारे घर में बन चुका है ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, है ना, इसको पी के हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पे बन चुकी है मेरी दूध वाली लौकी, ओके। और अश्मित जी सो गए हैं ऑफिस से आने के बाद। यहाँ पे मैंने विशु को सूप गर्म कर दिया है और विशु को लौकी भी दे दी है खाने के लिए। यहाँ पे मैंने गाय के लिए भी खाना रख दिया है। ये क्या करते हो कटोरी के साथ, दिखाओ क्या कर रहे थे? ये देखो फ्रेंड्स, मेरे बच्चे को ना ऐसी चीजें करने में बहुत मजा आता है। करो विशु करो, ऊपर रख दो, जाओ। ये देखो, मतलब इतने माहिर है ये सब चीजें करने में कि बस जब तक वो चीज परफेक्ट नहीं होगी उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैंने निकाली थी ये काढ़े के लिए, तो अभी मैंने ये तीन लोगों के लिए काढ़ा बनाया है, है ना। इसको हल्का सा ठंडा करके पीना होता है। सो फ्रेंड्स, ये मैं डाल लेती हूँ। हाँ पता है मुझे, ठीक है। ये है विशु के लिए, ये है मेरे लिए, और सबसे ज्यादा विशु के डैडा के लिए, है ना, क्योंकि उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं ना उनको तो बहुत सारा देना चाहिए ये, पता है। सो फ्रेंड्स, ये तीन कटोरी में हमारे पैक क्या बोलते हैं, पैक बन गए हैं, है ना इसमें जी, पैक बोलते हैं ना। तो चलिए अभी एक एक करके इसको पीना स्टार्ट करते हैं। अश्मित जी ये ले लीजिए, पकड़िए पकड़िए। नो अश्मित जी तो बहुत घबरा रहे हैं अभी विशु को। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हो हमारे घर बन रही है चाय और इसको हम पीने वाले हैं इस बिस्किट के साथ। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था मेरा चाय पीने का। और उसी के साथ आप देखेंगे ये अश्मित जी ले आए हैं तेज पत्ता, मतलब काढ़े का सामान है ये सारा ना। आप देखो ये सब आ गया है काढ़ा बनाने के लिए, ये सब सामान है। मैंने लाइट का थोड़ा सा ना इशू होगा, आपको पता है अभी ना आई थिंक 4:30 बज रहे हैं, जिस वजह से क्या है हमारे रूम में बहुत ज्यादा धूप आ रही है चारों तरफ। Yeah.
धोखा उठाऊं यार अभी मैं। चैनल में विनीता गढ़वाली माँ से, और आप मेरे फेस की हंसी देख सकते हो। इस हंसी में बहुत कुछ है, बारिश का नहाना और हबी का ढेर सारा प्यार। ओ एक सेकंड, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। फैन से पता क्या है, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और इस बच्चे को आप देख सकते हैं, इन बच्चों की हरकतें मैं आपको क्या बताऊँ। आज पता है क्या हुआ है, विशु हल्का सा गिर गए हैं, बट सोसाइटी में से बहुत सारे लोग आ गए थे विशु की केयर करने के लिए, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सो गाइस, अभी आपने मुझे बारिश में नहाते हुए देखा। जी हाँ, आज मैं नहाने लगी थी, आज मैं खुल के बाहर चली गई। आज है सैटरडे और अश्मित जी ऑफिस से जल्दी आ गए थे, सो मुझे लगा कि चलो आज तो नहा लेते हैं विशु को, विशु के डैडा संभाल लेंगे। सो मैं नहाने चली गई और मैंने ढेर सारी मस्ती करी, है ना। और नहा तो लिए, और आज अश्मित जी ने मुझे अपना टी शर्ट पहना दिया, ये देखो, है ना। मैंने उनसे मतलब मैं तो नहा बारिश में नहा गई थी और मैं वॉशरूम चली गई, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे कपड़े दे दो, तो उन्होंने कहा कि आज आप मेरी टी शर्ट पहनो। सो मैंने आज उनकी टी शर्ट पहन ली है, आप देख सकते हैं। दूसरा अश्मित जी आपके सामने है और वो है हमारा दोस्त। और गाइस, अभी हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पेट में दर्द हो रहा था, बट अभी नॉर्मल है, अभी सब ठीक है, है ना। मेरे पेट में दर्द होता रहता है और मैं ठीक होती रहती हूँ ना टाइम से, तो देखो तब से हो जाता है। मैं नहाया था सुबह, मतलब सॉरी टाइम से नहीं नहाया होगा, तब भी सही हो जाएगा कुछ भी। और आप ये लिप शेड देख रहे हैं ना, ये अश्मित जी लाए हैं। इसका रिव्यू मैं बाद में करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये किस टाइप की लिपस्टिक है, बट अभी मैंने लगा ली है जल्दी जल्दी में, क्योंकि सामने यही रखी हुई थी। और तीज वाला व्लॉग आपने देखा, इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ तीज वाले व्लॉग को भी। सो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और ये कंटिन्यू दूसरा व्लॉग कर रही हूँ मैं, और इसी में मैं ऐड कर दूंगी। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग गई थी बाहर बारिश में जाके। सो विशु तो यहाँ पे इस तरीके से खेलते रहते हैं, ये देख सकते हैं आप विशु को, है ना, ये देखिए। और अश्मित जी ने अभी म्यूजिक ऑन किया हुआ था, बट अभी हमने ऑफ कर दिया है, अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। सो ऐसे ही था। सुबह में अश्मित जी सुबह में गए थे 4 बजे ऑफिस, तो वो सुबह से अभी जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए मैं नहा गई। वैसे मेरा नहाने का कोई मूड नहीं था, बट मैं बाहर गई, बारिश आ रही थी। नहा लिया करो हर रोज, अपना कम बोला करो, ठीक है ना, थोड़ा सा है?
क्या बोल रहे हो? मैं नहा गया था ठीक है सुबह में, वो मैं इसलिए नहाई क्योंकि आप ऑफिस से आ गए थे ना, तो मुझे लगा आप इशू को संभाल लोगे इसलिए मैं नहाया हूँ। ओके बट अभी तो आप बोल रहे थे आप मेरे लिए सूप बनाने वाले हो। आपने क्या बोला? मैं आती हूँ, मैं बनाती हूँ। गाइस अभी ये बोल रहे थे मेरे को नहाते नहाते कि सूप बना रहा हूँ मैं, आ जाओ फटाफट। मैंने ये बोला क्या बनाना है, आपने कहा, मैंने कहा सूप। कहते गाइस मेरा लिपस्टिक कैसा लग रहा है जरूर बताना। ओ ऐसे मारते अपनी बीवी को। सो गाइज आई होप आपने मेरे बर्थडे वाले सारे ब्लॉग देख लिए होंगे। आई होप से आपको वो सारे ब्लॉग पसंद आए होंगे, मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी उनको बनाने में, एडिटिंग वगैरह थोड़ी ठीक से करी है या नहीं करी है वो तो आप लोग ही बताओगे, है ना। सो अभी मैं ये वाला पूरा ब्लॉग एंड करती हूँ और इससे आगे का कुछ होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।